नमस्कार दोस्तों, आज एक 34 इंटू 51 का एक 3 BHK हाउस प्लान देखेंगे। घर का लंबाई है 51 फीट और इसका चौड़ाई है 34 फीट। ये एक 3 BHK हाउस प्लान, एक ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान यानी एक पूर्वमुखी घर का नक्शा। ये घर का लंबाई है 51 फीट और इसका चौड़ाई है 34 फीट। यह है घर का फ्रंट साइड और यह है ईस्ट डायरेक्शन, यह है पूर्व दिशा और यह है वेस्ट डायरेक्शन पीछे, और ये राइट साइड यह है नॉर्थ डायरेक्शन और ये लेफ्ट साइड है साउथ डायरेक्शन। घर के सामने एक पोर्टिको कम पार्किंग है, एक बड़ा सा पोर्टिको कम पार्किंग 22 फीट 5 इंच इंटू 11 फीट 5 इंच, यानी ये हॉरिजेंटली यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 22 फीट 5 इंच और इसका चौड़ाई ये है 11 फीट 5 इंच। और ये राइट साइड में एक ड्राइंग कॉम गेस्ट रूम है। इसका डायमेंशन देखिए 9 फीट 11 इंच इंटू 14 फीट 5 इंच, 9 फीट 11 इंच हॉरिजेंटली है ऐसे और ये वर्टिकली है 14 फीट 5 इंच। ड्राइंग रूम में जाने के लिए ये है डोर और ये घर का मेन एंट्री डोर ये है डी, और यहाँ पर एक डोर है अंदर से आने के लिए। ड्राइंग रूम में अंदर से आने के लिए यहाँ पर एक डोर है और बीच में एक बड़ा सा हॉल है, लिविंग हॉल, लिविंग कम डाइनिंग 10 फीट इंटू 25 फीट 1 इंच, 10 फीट हॉरिजेंटली है और ये 25 फीट 1 इंच वर्टिकली, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 25 फीट 1 इंच। बाएं तरफ है किचन, यहाँ पर देखिए साउथ और ये है ईस्ट, यानी ये है साउथ ईस्ट के कॉर्नर। साउथ ईस्ट में यहाँ पर है किचन 10 फीट 9 इंच इंटू 8 फीट का, 10 फीट 9 इंच हॉरिजेंटली है और ये 8 फीट है वर्टिकली। वेंटिलेशन के लिए बाएं तरफ एक खिड़की है और ये ड्राइंग रूम का, सॉरी ये लिविंग कम डाइनिंग का वेंटिलेशन के लिए सामने एक खिड़की है। गेस्ट रूम का वेंटिलेशन के लिए देखिए यहाँ पर पोर्टिको में एक खिड़की और ये राइट साइड में एक खिड़की। ड्राइंग रूम के पीछे यहाँ पर है पूजा घर 9 फीट 11 इंच इंटू 4 फीट 2 इंच का, 9 फीट 11 इंच हॉरिजेंटली है और ये 4 फीट 2 इंच वर्टिकली है। ये है नॉर्थ डायरेक्शन राइट साइड और ये है ईस्ट, यानी ये है, ये पोर्शन है नॉर्थ ईस्ट का। ये देखिए नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर ड्राइंग रूम के पीछे पूजा घर है वास्तु के हिसाब से। ये देखिए लिविंग रूम में देखिए ये बाएं तरफ है स्टेयरकेस ऊपर जाने के लिए, ये 7 फीट वाइड का स्टेयरकेस है, इसका वाइड है 7 फीट और इसका ये लंबाई ये है 10 फीट 9 इंच। राइट साइड में यहाँ पर बेडरूम नंबर 3, इसमें 3 बेडरूम है, ये है बेडरूम नंबर 3 10 फीट 4 इंच इंटू 12 फीट 3 इंच, 10 फीट 4 इंच हॉरिजेंटली है और ये 12 फीट 3 इंच वर्टिकली है। वेंटिलेशन के लिए राइट साइड में एक खिड़की है। बेडरूम नंबर 3 के पीछे एक 4 फीट वाइड का पासेज है, ये है पासेज, ये बाहर जाने के लिए यहाँ पर एक डोर है, ये घर का मेन एंट्री डोर और ये है एक इमरजेंसी डोर, आप यहाँ से पीछे जा सकते हैं। ये है डी और ये बाएं तरफ देखिए ये है कॉमन टॉयलेट 8 फीट इंटू 4 फीट का, 8 फीट हॉरिजेंटली है और ये 4 फीट वर्टिकली है, और यहाँ पर आप बेसिन लगा सकते हैं। और ये कॉमन टॉयलेट के पीछे है अटैच टॉयलेट, ये मास्टर बेडरूम का अटैच टॉयलेट 10 फीट 9 इंच इंटू 4 फीट का, 10 फीट 9 इंच हॉरिजेंटली है और ये 4 फीट वर्टिकली है। इसका डोर यहाँ पर, ये मास्टर बेडरूम का अटैच टॉयलेट, ये है मास्टर बेडरूम 16 फीट इंटू 12 फीट का, ये है मास्टर बेडरूम 16 फीट हॉरिजेंटली और ये वर्टिकली है 12 फीट। वेंटिलेशन के लिए पीछे एक खिड़की और ये बाएं तरफ एक खिड़की, और ये है बेडरूम नंबर 2 15 फीट 6 इंच इंटू 12 फीट, 15 फीट 6 इंच हॉरिजेंटली और ये 12 फीट वर्टिकली। इसका डोर यहाँ पर है
बेडरूम नंबर थ्री का डोर यहाँ पर है और ये बेडरूम नंबर टू का डोर यहाँ पर है। इसका वेंटिलेशन के लिए इसमें दो खिड़कियाँ हैं, ये राइट साइड में एक खिड़की और पीछे तरफ एक खिड़की। ये देखिए, ये है वेस्ट डायरेक्शन और ये है साउथ डायरेक्शन, यानी ये कॉर्नर है साउथ वेस्ट का। साउथ वेस्ट में यहाँ पर है मास्टर बेडरूम। दोस्तों, ये एक 3 BHK हाउस प्लान, ईस्ट फेसिंग 3 BHK हाउस प्लान। ये है बेडरूम नंबर वन, यानी ये मास्टर बेडरूम। ये है बेडरूम नंबर टू और यहाँ पर है बेडरूम नंबर थ्री। इसमें 3 बेडरूम, एक हॉल है बीच में, एक बड़ा सा हॉल, एक ड्राइंग रूम भी है, एक पूजा घर भी है, एक किचन है और इसमें 2 टॉयलेट है, एक है अटैच टॉयलेट और एक है कॉमन टॉयलेट। घर के सामने एक बड़ा सा पोर्टिको कम पार्किंग है 4 व्हीलर और 2 व्हीलर रखने के लिए। तो ये वॉल का थिकनेस है 10 इंच का, ये वॉल जितना भी मेन वॉल है ये 10 इंच का है और ये पार्टीशन वॉल जितना है, ये देखिए यहाँ पर है, ये है 5 इंच का और ये है 5 इंच, यहाँ पर एक वॉल है ये 5 इंच का और ये वॉल 5 इंच का और ये बाकी सब 10 इंच का है। तो चलिए देखते हैं इसका प्लिंथ एरिया कितना है। 34 × 51, ये पोर्टिको का प्लिंथ एरिया मिला के टोटल है 1734, यानी 1734 स्क्वायर फीट। दोस्तों, ये नक्शा आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल में। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही कर दीजिए। धन्यवाद।